हेलो फ्रेंड्स, फूडीज क्रिएशन बाय कीर्ति में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नाश्ते की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप सुबह या शाम के नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टफ्ड मसाला इडली की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और इसके साथ ही हम एक चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए एक कप हरा धनिया, आधा कप पुदीने के पत्ते, 8 से 10 करी पत्ता, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, 2 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली, स्वादानुसार नमक डालकर इन सबको ग्राइंड करके चटनी रेडी कर लेंगे। अब इडली के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल गरम करेंगे। उसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का पिंक कलर आने तक सौटे करेंगे। फिर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छे से भूनेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 उबले हुए मैश आलू डाले हैं। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही स्वादानुसार नमक डालेंगे। स्टफिंग भी रेडी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैंने इडली का रेडीमेड घोल लिया है। ये 1 kg के करीब है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इडली मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करेंगे। और थोड़ा थोड़ा इडली का बैटर डालेंगे। फिर आलू की स्टफिंग डालेंगे। और ऊपर से इडली का बैटर डालकर स्टफिंग को अच्छे से कवर कर देंगे। यहां मैंने पानी गर्म करने रख दिया था। अब इडली मोल्ड को इसमें रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। जब तक इडली पक रही है तब तक हम इसका तड़का भी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए तड़का पैन में 1/4 कप ऑयल गरम करेंगे, 1 टेबलस्पून राई डालेंगे, साथ ही 7 से 8 करी पत्ता डालेंगे, 1 से 2 चम्मच सफेद तिल डालेंगे। तड़का भी रेडी है। आइए इडली भी चेक कर लेते हैं। इडली भी स्टीम हो चुकी है। इन्हें ठंडा करके सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेंगे। ऊपर से तड़का डालेंगे और चटनी के साथ इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए, सॉफ्ट स्टफ्ड मसाला इडली रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
जिससे आगे आने वाली और भी रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें।